गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आज लोक स्मार्ट न्यूज चैनल के अपने स्टूडियो से मुख्य समाचार चुनाव संबंधित। दोस्तों, आज वक्त 28 अक्टूबर की, यानी कि आज 71 सीटों यानी 16 जिलों में वोटिंग की कार्रवाई प्रारंभ। 1066 प्रत्याशियों जिसमें भाग लेने, जिसमें 8 मंत्रियों के प्रतिष्ठा भी दांव में है। हम बताते चलते, इसमें कुल मतदाता 2,14,84,787 के संख्या में, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 1,12,76,396 और जिसमें मतदान केंद्र की बात करते हैं तो 31,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महिला वोटर्स 1,01,29,101, थर्ड जेंडर जिसमें कि 599, इसके साथ साथ आपको सर्विस सेंटर कि यहाँ तक 78,691 और नए वोटर्स जिसमें है 4,45,628 के। आज जो जितना मतदान जो शुरू हुआ है उस पर 7 बजे से शाम को 6 बजे तक 36 आपको सीटों पर, और 7 बजे से जो 4 बजे तक मतदान केंद्र होगा वो 26 सीटों पर, और 7 बजे से 5 बजे तक 5 सीटों पर, यानी कि प्रक्रिया शुरू। हम बताते चलते हैं कि ये जो आज का मतदान केंद्र, आज का जो मतदाता जिसमें नए वोटर 4,65,688, ये कोई भी 500 लड़ सकते हैं। अभी तक की जो खबरी समाचार के अनुसार जो कई जगह ईवीएम मशीन की शिकायतें मिलना शुरू हुई और कई जगह झड़पों की बात में शुरू हुई, जहां तक परसेंटेज पोल की बात है आपको 7 से लेकर 9% के बीच में पोल, 7 बजे से 9 बजे के बीच में। उदाहरण के तौर पर गया, आरा, शाहपुर, बाढ़, जहानाबाद, कटोरिया, सासाराम, मुंगेर और सासाराम, अरवल, जमुई पर कई जगह ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायत, कई जगह हंगामा, कई जगह 1 से 1.5 घंटा तक बूथ बाधित, लेकिन धीरे धीरे आपको सभी ईवीएम मशीन ठीक होते जा रहे हैं और सभी लोग आपको चुनाव में लाइन में खड़े हैं। काफ़ी लोगों को उत्साह देखी जा रही है। दोस्तों, अगले समाचार, आज भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी साहब का आपको बिहार में 3 सभा करेंगे, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, पटना। तेजस्वी यादव के बयान में कि लालू राज में करीब सीना तान कर जो चलते थे राजपूतों के सामने यानी बाबू साहब के सामने, इस बयान को लेकर कांग्रेस ने भी थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा तेजस्वी यादव इस बयान पर थोड़ा सा कम से कम सवर्णों का ध्यान रखेंगे और इस पर टीका टिप्पणी, NDA का अच्छा खासा इस पर प्रतिक्रिया। और इस नेक्स्ट, LJP की सर्वाधिक दिग्गज उम्मीदवार आज ही जिसमें भाग का फैसला होगा, जिसमें 41 उम्मीदवार हैं, सभी कद्दावर LJP के उम्मीदवारों में कई बड़े चेहरा में, अगर भाजपा से जो भागकर LJP का जो पर्दा जो थामे हुए हैं आप उसमें बता सकते, डॉक्टर रविंद्र यादव, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, भगवान सिंह कुशवाहा पर सभी की निगाहें आपको टिकी हुई। अगर तीसरे चरण चुनाव में अगर बिहार सरकार में 13 मंत्रियों और उनके परिवार के लोग भी आपको मैदानी क्षेत्र में कूद पड़े हैं। शराबबंदी के बिंदु पर अच्छी राजनीति शुरू, तेजराज पर चिराग पासवान के कहना कि अगर उनके सरकार बनती है तो आपको शराबबंदी पर कानून कि इस पर समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव ने भी समीक्षा की बात कही, पप्पू यादव ने भी कहा कि बिक्री टैक्स को बढ़ा करके शराब बेची जाएगी, और जीतनराम मांझी का भी कहना कि जो भी गरीब आदमी इस जेल में है उनकी आपको समीक्षा भी की जाएगी। कांग्रेस ने भी आपके शराबबंदी पर समीक्षा की बात स्वीकार की है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर प्रहार किया कि नीतीश चाचा ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, वो भी 6 भाई बहन हैं और नीतीश जी बुजुर्ग हैं, अब बिहार उनसे संभल नहीं पा रहा, थक चुके हैं, अब उनको नीतीश जी को अब आराम की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी का भी आज आपको बिहार में धमाका, ये भी आपको 2 जगह चुनावी सभा करेंगे, वाल्मीकि नगर, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, जहाँ तक पप्पू यादव ने दावा ठोका कि अगर उनके सरकार बनती तो बिहार राज्य को एशिया का सबसे खूबसूरत आपको राज बनाएंगे और 3 सालों के भीतर युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के अधिकार, बिहार में व्यवस्था को सुधारने के लिए दावा ठोक दिया। और अभी आज ही मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र के आसपास औरंगाबाद 2 जगह ED को आपको पाएगा, जहाँ CRPF बड़ी तेजी से बहुत उस ईवीएम मशीन को आपकी ईडीएम ID जो भी
एक्टोसिस रिलेटेड को हटा करके उसको निष्क्रिय कर दिया गया। अंत में चिराग पासवान ने फिर एक तो बयान दिया कि जो नीतीश जी जो कि पार्टी के नेता जो उनको जमुरा के टाइटल लेते हैं तो इनका कहना है कि तू तो मदारी प्रधानमंत्री जी हुई, सोच सकते हैं कि जेडीयू वाले क्यों आपको मोदी जी की मदारी बना करके उनके बेइज्जत करते हैं। ये इनका तीखा बयान आपको पूरे छाया हुआ है, यानी मदारी और आपको जमुरा के बीच में एक कुशल एक राजनीति। और सबसे बड़ी अहम खबर कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन्होंने एक जो पुराने विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के लगभग एक साल बाद जो भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन करते हुए जमीन में मालिकाना हक से संबंधित 12 कानूनों को निरस्त कर दिया। केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन तृतीय आदेश 2020 को जारी भी कर दिया जो लागू भी हो गया। जम्मू कश्मीर में वन अधिनियम की जगह अब आपको भारतीय वन अधिनियम भी उन्होंने घोषणा कर दी। ऐतिहासिक फैसला, अब कोई भी भारतीय का नागरिक चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का कोई भी हो उसको नागरिक होना चाहिए, वे जम्मू कश्मीर जा करके अपनी दुकान खोल सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। दोस्तों इसका फिर लगातार आपको हम मतदान केंद्र के बारे में अपडेट लगातार बीच बीच आकर आपको समाचार सुनाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों मिलेंगे, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।